प्रश्न नंबर एक, निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम मतलब होता है लघुत्तम, सरलतम मीन्स होता है लघुत्तम, लघुत्तम रूप यानी कम से कम में। माइनस आठ बटे दस लिखा है तो इसको हम काट देते हैं दो से, तो यह आ जाएगा चार और ये पाँच, यानी आ जाएगा माइनस का चार बटे पाँच। क्वेश्चन नंबर खा, पंद्रह बटे बीस, इसको पाँच से अगर काट दे, पाँच से पाँच तिया पंद्रह, ये पाँच चक्कू बीस, यानी आ गया तीन बटे चार। क्वेश्चन नंबर गा, पच्चीस बटे पैंतालीस, यानी पाँच से अगर काट दे, पचम पच्चीस पाँच नवा पैंतालीस, यानी ये आ गया पाँच बटे नौ। अगर इसको सात से काट देते, सात दोनी चौदह, सात एकम सात, सात एकम सात, यानी माइनस का दो बटे ग्यारह। प्रश्न नंबर दो, संकेतों बराबर और बराबर नहीं, ये बराबर है ये बराबर नहीं का निशान है, में से चुनकर रिक्त स्थानों की को भरिए। जैसे लिखा है यहाँ पर माइनस चार बटे पाँच, माइनस का पाँच बटे सात, ऋणात्मक तो दोनों में है, तो यहाँ पर हम देखते हैं हर बराबर करते हैं, इसको पाँच से गुणा, सॉरी इसमें सात से गुणा कर दें और इसमें पाँच से ऊपर नीचे, तो यह आ गया माइनस का अट्ठाईस बटे पैंतीस, ये माइनस का पच्चीस बटे पैंतीस, तो ये माइनस अट्ठाईस है यहाँ पर माइनस पच्चीस, तो ये बराबर तो नहीं है, तो यहाँ पर निशान लगेगा बराबर नहीं है, क्योंकि हर से कोई मतलब नहीं होता है अगर हर बराबर हो जाए। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर खा, सात बटे माइनस ग्यारह माइनस सात बटे ग्यारह, निशान ऊपर नीचे चाहे जहाँ लगा हो, माना ऋणात्मक ही जाता है, तो माइनस का सात बटे ग्यारह माइनस का सात बटे ग्यारह, ये दोनों क्या है बराबर है। क्वेश्चन नंबर ग, माइनस का आठ बटे पाँच और माइनस का सात बटे चार, माइनस का चार, इसमें दोनों माइनस के हैं ये कट जाएंगे, अतः ये धनात्मक संख्या हो जाएगी और ये ऋणात्मक संख्या है, तो ये धनात्मक या ऋणात्मक बराबर तो नहीं है, इसीलिए यहाँ पर निशान लगेगा बराबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर घ, चौदह बटे माइनस का सोलह माइनस इक्कीस बटे सोलह, तो जो माइनस नीचे लगा है ये ऊपर भी लगा सकते हैं, यानी माइनस का चौदह बटे सोलह अरे माइनस का इक्कीस बटे सोलह। अब हर बराबर है तो हर से कोई मतलब नहीं, देखते हैं माइनस चौदह या माइनस इक्कीस बराबर है, नहीं बराबर नहीं है, अतः यहाँ पर निशान लगेगा बराबर नहीं है। प्रश्न नंबर तीन, निम्नांकित प्रमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन समान है। क्वेश्चन नंबर का, माइनस का नौ बटे बारह और माइनस का आठ बटे बारह, अब जो माइनस का निशान नौ यहाँ लगा है या माइनस का ऊपर चला जाएगा, माइनस का नौ माइनस का आठ हर बराबर है, यानी हर से कोई मतलब रखे, तो क्या माइनस का नौ और माइनस का आठ बराबर है, यानी समान नहीं है, ये समान नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर खा, माइनस का पंद्रह बटे पैंतालीस सोलह बटे अड़तालीस, इसको काट देते हैं, पंद्रह एकम पंद्रह, पंद्रह त्या पैंतालीस, यानी माइनस का एक बटे तीन, सोलह एकम सोलह, सोलह त्या अड़तालीस, यानी माइनस का एक बटे तीन, तो ये समान है, अतः ये क्या है समान। क्वेश्चन नंबर ग, सात बटे इक्कीस, इसको काटते हैं, सात एकम सात, सात त्रु इक्कीस, तीन एकम तीन, तीन त्या नौ, यानी माइनस का एक बटे तीन, माइनस का एक बटे तीन, अतः ये सवाल क्या है समान है। घा नंबर, माइनस का आठ बटे माइनस चौदह तेरह बटे इक्कीस, अब इसमें माइनस माइनस तो कट गया, अब देखते हैं हर बराबर करते हैं, इसमें गुणा करेंगे चौदह तिया बयालीस और इसमें इक्कीस दुना बयालीस, अब हर बराबर हो गया, ऊपर हो गया चौबीस और इधर हो गया तेरह दुना छब्बीस, क्या यह बराबर है, नहीं बराबर है, तो समान नहीं है, यह समान समान नहीं है। प्रश्न नंबर चार, निम्नांकित प्रमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। संख्या रेखा वाला क्वेश्चन अच्छे होते हैं, इसमें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि देखते हैं हम यहाँ पर जैसे जीरो लिखा होता है, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, इसमें जो भी दर्शाना होता है, जैसे मान लो हमको तीन दर्शाना है तो हम जीरो से जाते हैं तीन तक, लेकिन यहाँ पर जो प्लेस वैल्यू दी है क्वेश्चन नंबर क्या है, तीन बटे चार, ये एक से भी कम है, तो ये यहाँ पर भी एक पर भी नहीं जाएंगे, यहाँ पर इसके पार्टीशन कर लेंगे। अब देखते हैं कैसे करेंगे, जैसे जैसे यहाँ पर है जीरो और यहाँ पर एक, फिर आगे दो, अब यहाँ पर हमको इसको पार्टीशन करना है, कितना लिखा है तीन बटे चार, यानी यहाँ पर लिखते हैं हम एक दो तीन और ये
चार। अब देखते हैं एक दो तीन, अब इसके बटे में लिखते हैं चार, चार बटे चार। मान लो यहाँ पर है चार बटे चार, जिसका वैल्यू हो जाता है एक। चार बटे चार को क्या कहेंगे, जिसे लिखा हुआ चार बटे चार यानी कितना होगा एक। तो ये लिखा है चार बटे चार यानी एक। देखो एक बटे चार, दो बटे चार, तीन बटे चार, चार बटे चार यानी एक। अब हमको दर्शाना है तीन बटे चार, तो जीरो से जाएंगे तीन बटे चार। तीन बटे चार यानी अगर इसको हम भाग दें तो पॉइंट पचहत्तर यानी एक से कम। ठीक, अब ऐसे ही हम दर्शाते हैं तीन बटे पाँच को, यहाँ पर खींच देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर ये जीरो है, एक एक है, आगे दो। अब यहाँ पर एक लिखा है तो यहाँ पर हमको पाँच बनाना, यानी एक दो तीन चार और ये मिलाकर पाँच, एक दो तीन चार और ये पाँच, इसके बटे में पाँच, पाँच बटे में पाँच बटे में पाँच बटे में पाँच, यानी पाँच बटे पाँच को ही एक कहते हैं। इसीलिए हमने कहा था यहाँ तो एक है, ये दो है। अब देखते हैं हमको दर्शाना है तीन बटे पाँच, यानी जीरो से जाएंगे कहाँ पर, तीन बटे पाँच। क्वेश्चन नंबर का पाँच बटे आठ, इसका मान एक से कम ही है तो हम लिखेंगे यहाँ पर जीरो और यहाँ पर लिखेंगे एक। अब हमको इसके आठ पार्ट करने हैं, तो देखो कैसे करते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात और इसको मिलाकर आठ, एक दो तीन चार पाँच छः सात और इसको मिलाकर आठ। अब बटे वाली संख्या हम सबके बटे में लिख देंगे, आठ आठ बटे में 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 आठ। अब देखो यहाँ पर आठ लिखा था, इसके भी बटे में आठ लिखेंगे, जिसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा आठ को अगर आठ से भाग देते तो कितना आएगा एक, यानी हमने यहाँ पर पहले बताया था एक है। अब दर्शाना है हमको पाँच बटे आठ, तो हम जीरो से जाएंगे पाँच बटे आठ को। अब देखते हैं सवाल नंबर घ, तीन बटे सोलह, इसका भी मान एक से कम ही है तो हम खींचेंगे, यहाँ पर जीरो है और यहाँ पर एक। अब यहाँ पर कितने पार्ट करने हैं, एक आगे दो। अब इसके हमको पार्ट करने हैं सोलह पार्ट। देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह। ठीक, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह। अब इसको मिलाकर सोलह है। ठीक, अब प्रत्येक के बटे में सोलह लिख देते हैं। अब हमको दर्शाना है तीन बटे सोलह, तो जीरो से चलेंगे तीन बटे सोलह। ठीक, प्रश्न नंबर पांच, निम्नांकित प्रमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन असमान है। क्वेश्चन नंबर का माइनस आठ बटे चौबीस और सात बटे माइनस इक्कीस, तो हम काट देते हैं, आठ एकम आठ, आठ त्रुक चौबीस, माइनस एक बटे तीन, सात एकम सात, सात त्रुक इक्कीस, माइनस का एक बटे तीन, ये जोड़ा क्या है, समान है। वो पूछ रहा है असमान। अब यहाँ पर देखते हैं माइनस पंद्रह बटे बीस, पच्चीस बटे तीस, तो पाँच से काटा पाँच तिया पंद्रह, पाँच चक्कू बीस, माइनस तीन बटे चार, पाँच से काटा पाँच और माइनस का छः, तीन बटे चार और माइनस का पाँच बटे छः, ये जोड़ा क्या है, असमान है, असमान। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर का, जीरो को सात से भाग देना, जीरो को चार से भाग देना, जीरो को किसी भी संख्या से भाग करें या जीरो में किसी भी संख्या से गुणा करें, उसका आंसर जीरो ही आएगा, अतः यह संख्या है समान। माइनस छः बटे दस और नौ बटे पंद्रह, इसको पहले दो से काटते हैं, तीन आ गया, ये आ गया पाँच, माइनस का तीन बटे पाँच, यहाँ पर तीन से काटते हैं, तीन तेरह नौ, तीन पच्चीस पंद्रह, माइनस का तीन बटे पाँच, माइनस का तीन बटे पाँच, दोनों में समान है, अतः यह संख्या क्या है, समान। असमान संख्या सिर्फ यही है, तीन बटे यानी माइनस पंद्रह बटे बीस और पच्चीस बटे माइनस तीस। अभ्यास वन बी द एंड। बच्चों अगर अभ्यास अच्छी लगी हो तो लाइक या सब्सक्राइब या शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।